भारत पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने ब्राउन शुगर बेचने वाले एक आरोपी को अपनी गिरफ्त में लिया है। पकड़े गए आरोपी से तकरीबन 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 30,000 रुपए बताई जा रही है। दरअसल मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक लखानी फैक्ट्री के पास ढाबे पर मादक पदार्थ बेचने का काम कर रहा है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से जितेंद्र पंडित नामक युवक को अपनी गिरफ्त में लिया है। पकड़े गए आरोपी की तलाशी लेने पर 10 ग्राम ब्राउन शुगर आरोपी से बरामद की गई है। वहीं पुलिस अब जितेंद्र पंडित से अवैध मादक पदार्थ के बारे में पूछताछ कर रही है कि आखिर ये ब्राउन शुगर वह कहाँ से लाता था। वहीं उसके अन्य साथियों की भी भूमिका की जाँच की जा रही है। कल रात में मुखबिर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति काला जैकेट और लोअर पहन करके और पुरानी बड़ी लखानी के सामने खड़ा है। वो उसके सामने मतलब उसके पास कुछ संदिग्ध वस्तुएं हैं। मुखबिर सूचना विश्वसनीय होने से हम लोगों ने हमारा फोर्स स्टाफ को साथ में लिया और साथ में जा करके वहाँ पर रेड किया, तो वो व्यक्ति पुलिस को देख कर भागने लगा, जिसे घेराबंदी करके पकड़ा गया। और उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जगदीश उर्फ पंडित पिता शिवलाल बताया और निवासी अपना ढाबा नेमाव रोड पर अपना ढाबा नेमाव रोड का रहने वाला है। इसकी तलाशी ली तो उसके जेब में एक छोटी पॉलिथीन में 10 ग्राम कुछ पाउडर मिला, ब्राउन शुगर टाइप का। तो उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि हाँ ये ब्राउन शुगर है और मैं सप्लाई करने आया था। उस संबंध में भी उससे पूछताछ जारी है। पूर्व में इसका अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है, पहली बार ही पकड़ा गया है।